एक्स्ट्रा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपरारुल हक रहमान। क्या राजस्थान की राजनीति में फिर से एक बार केंद्र और राज्य इकाई जो है कांग्रेस की, उसके बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर्कलह देखने को मिल सकता है? दरअसल इस बात पर आज चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर से सचिन बनाम अशोक गहलोत होने जा रहा है, और ये क्यों होने जा रहा है, इसकी संभावनाएं क्यों बन रही है, इसकी खास वजह यह है दर्शकों कि अब कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि ऑपोजिशन का चेहरा किसे बनाया जाए। फिलहाल अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत का केंद्रीय नेतृत्व से बनाव जो पहले हुआ करता था वो अब नजर नहीं आता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार क्या सचिन पायलट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर इस पूरे मामले पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? इसी मुद्दे को समझेंगे। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है और ये कैसे देख रही है इसको, किसके पक्ष में ये पूरा जो है खेल जाता हुआ नजर आता है। देखिए अबरार, अगर बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत पर पार्टी हाई कमान ने हमेशा से अपना भरोसा जो है उसे जताया है, उसे दिखाया है, और इसके चलते कई बार सचिन पायलट को नजरअंदाज किया गया, और खास तौर पर ऐसे समय में जब सचिन पायलट को नजरअंदाज करने से पार्टी को नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ा था तो किस तरह से उनके साथ कई विधायक भी चले गए थे, और इसकी वजह से पार्टी की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई। लेकिन अब अशोक गहलोत पर भरोसा जताने के बाद, उन्हें पूरी जिम्मेदारी देने के बाद, किस तरीके से विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ती कांग्रेस बुरी तरह से हारती हुई नजर आती है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर पार्टी भी इस चीज को समझ चुकी है कि जादूगर कहे जाने वाले अशोक का जादू इस बार नहीं चल पाया है। तो ऐसे में अब शायद पार्टी हाईकमान सचिन पायलट पर अपना भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में एक तबका था जो लगातार मांग कर रहा था कि सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जहां एक ओर कांग्रेस बार बार कहती है कि वो युवाओं को आगे कर रही है, तो अगर सचिन पायलट के चेहरे पर शायद चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती तो इतनी बुरी हार नहीं होती, और क्या पता जो सरकार रिपीट करने का दावा बार बार हो रहा था वो भी शायद यहां पर होता हुआ नजर आता। और सबसे बड़ी बात कि हार के बाद जहां एक ओर अशोक गहलोत जो है वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, चुप्पी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ कांग्रेस की हार हुई है, चिंतन मंथन की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सचिन पायलट अपने लिए उस पद को पहले से तैयार कर रहे हैं और जनता के बीच उस छवि को भी तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर सचिन पायलट जो है वो जल्द मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि पार्टी के तमाम जो हाईकमान है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इनसे मुलाकात करके अपने लिए उस पद को पूरी तरह से कन्फर्म कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले में हालात जो है इस तरीके के बनते नजर आ रहे हैं, और फिलहाल जो है राजस्थान कांग्रेस में फिर से एक बार टूट की स्थिति दिखाई देती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।